अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाने वाले ध्वज के डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर के ध्वज पर सूर्य और कोविदार के पेड़ को भी अंकित किया गया है। 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 100 ध्वज रीवा से भेजे जा रहे हैं। इन्हें रीवा के हरदुआ गांव निवासी ललित मिश्रा तैयार करवा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राम मंदिर के ध्वज का प्रारूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया था। 5 सदस्यीय कमेटी ने कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। अब नए डिजाइन कमेटी के सदस्य पेश करने वाले हैं। इसके बाद लंबाई चौड़ाई निर्धारित की जाएगी। ललित मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सूर्यवंश का प्रतीक सूर्य है, इसलिए सूर्य को ध्वज में अंकित किया गया है। कोविदर का पेड़ अयोध्या के राजध्वज में अंकित हुआ करता था। एक तरह से यह अयोध्या का राज वृक्ष हुआ करता था, इसलिए कोविदार के वृक्ष को ध्वज में स्थान दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कश्यप ने इस पेड़ को बनाया था। इसका जिक्र हरिवंश पुराण को में मिलता है। ये पेड़ पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है। पहले के ध्वज में कचनार का पेड़ ही था और सूर्य अंकित नहीं था।